नो वन किल्ड कृष्णानंद, ये हम अपना शो आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक नितेश राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने थाने पहुंचकर सरेंडर किया, जिसके बाद दो समर्थकों के साथ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नितेश राणे ने कड़कवली में एक इंजीनियर को बंधक बनाकर उस पर कीचड़ फेंकवाया था। तो सरेंडर के बाद कांग्रेस विधायक नितेश राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कड़कवली में एक इंजीनियर को बंधक बनाकर उन पर कीचड़ फेंकवाया था नितेश राणे ने। जी मीडिया संवाददाता अहसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहसन, क्या ताजा जानकारी है? अभी देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे कांग्रेस विधायक नितेश राणे इस वक्त पुलिस स्टेशन में, कंकवली पुलिस स्टेशन में मौजूद है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनके खिलाफ कई आईपीसी की धाराओं में मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें नितेश राणे अपने कई समर्थकों के साथ देखे जा सकते हैं कि वो सरकारी अफसर के साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, और साथ ही उसके ऊपर कीचड़ उन्होंने उड़ेलवाया और काफी देर तक बंधक बना के रखा, रस्सी में बांध के रखा। इन आरोपों के तहत कंकवली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, और इस वक्त उनसे पूछताछ महाराष्ट्र के कोकण इलाके की कंकवली पुलिस स्टेशन में जारी है। अतिथि साथ ही दो समर्थकों की भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। जी अदिति, दरअसल पुलिस इन नितेश राणे से बाकायदा पूरी क्वेश्चनर तैयार करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौर से गुजरता है। उसके साथ नितेश राणे के जो 30 से 40 समर्थक हैं, उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज हुए हैं, और उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और कुछ की अब से थोड़ी देर बाद होने की पुष्टि पुलिस की तरफ से आ सकती है। अदिति जी, ऐसा ना, और सरेंडर लगभग कितने बजे किया नितेश राणे ने? देखिए, दरअसल ये सरेंडर का एक ड्रामा है, क्योंकि इतने जिस तरह की आईपीसी के तहत जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, उसमें उनकी गिरफ्तारी होना तय है, और इसमें कई जो आईपीसी हैं, धारा हैं, वो जो है नॉन अवेलेबल है। ऐसे में नितेश राणे का कानून इस कंजे से बचवाना चिंता, और ऐसे में शाम में जब काफी इस मामले में बात आगे बढ़ी, तब जाकर नितेश राणे पहुंचे कंकवली पुलिस स्टेशन में, और पुलिस इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सर।